Guys, yes! This is my 200! Guys, is this... क्या बताऊँ मैं आपको? गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा है धुआं कहाँ जा। मेरी राइड वाली साइड से फ्यूल पंप था बट हम वहाँ पे फिलअप नहीं कर पाएंगे, हम आगे फिलअप करवाएंगे। जब आप सोलो राइड करोगे ना आपको ज़िंदगी का मतलब पता चलेगा। मेरे को समझ नहीं आता ये एक जगह पर सारे एक साथ क्यों चलते हैं। मैं तो अकेला हूँ अभी, मेरे को भगाने में मज़ा आ रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, क्या हाल है सब? क्या आई होप आप अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अभी का टाइम आ रहा है शाम के 6:54, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, सूरज मामा भी डूबने लगे। अभी हम फटाफट से जल्दी से निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना भगा के देखते हैं कि 150 आराम से जाता है टेंशन के बगैर, बट हमें फ्यूल अप करवाना है, ब्लिंक सेल चल रहा है। मेरी राइड वाली साइड से फ्यूल पंप था बट हम वहाँ पे फिलअप नहीं कर पाएंगे, हम आगे फिलअप करवाएंगे, देखेंगे ब्लिंक सेल पे हमारा हल कहाँ तक चलेगा। वेल गाइस पहले करवाते हैं फ्यूल अप, सिडनी में हमें फ्यूल पंप। यहाँ पे हमारे हल का पेट हो चुका है फुल, अब भगाने का मजा आएगा। जब मेरे हल का पेट फुल होता है ना तब मेरे को अलग ही वाइब आती है, बाघ बिलखा बाघ। गाइस यार सही में ना इस गाड़ी वाले ने ना मेरे को मार डाला था सही में यार, क्या गंदा चल रहा है ये देखो रॉन्ग निकल गया। ओ भाई साहब देखो गाइस, मैं अगर आपको बताऊंगा रात में मेरे को ट्रैवल करने में मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जैम होता है बट उतना नहीं जितना दिन में होता है। अगर हम अपनी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे ना ये 180 के बीच में, मैं तो अकेला हूँ अभी मेरे को भगाने में मजा आ रहा है। अभी एक हम स्पीड लिमिट सेट करेंगे जो की होगी 90 to 120 या 30। अभी हमने ट्रैवल करा 43 किलोमीटर। मैं आपको दिल से एक बात बताना, मेरे को पर्सनली ना जम्मू एंड कश्मीर का हाईवे आजकल अच्छा लगने लगा, कितना पैसा उन्होंने रोड पे लगाया हुआ है सोचने की बात है ऐसे में। जब आप सोलो राइड करोगे ना आपको जिंदगी का मतलब पता चलेगा। अभी मेरे साथ राहिल बैठा है वीडियो कॉल पे, हैंड वीडियो कॉल लगी हुई है। मैं बोर हो रहा था, जैसे भी मैं वीडियो कॉल बंद रखता हूँ मैं तेज चलता हूँ रात में, इसलिए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए राहिल मेरे साथ अभी है वीडियो कॉल पे। भैया यहाँ से जाना है कि यहाँ से भाई अंधेरे में रास्ता भी नहीं दिखता है ना, जाना कहाँ से होता है? श्रीनगर। उसने वहाँ से बोला ऊपर जाना है, रिकॉर्डिंग है इसमें। वहाँ पे लड़के दो थे, उन्होंने बोला ऊपर से जाओ। नहीं ऐसे नॉर्मली थे, उसने बोला, मैंने बोला जाना कहाँ से? सर अंधेरी में दिखता नहीं है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास सर। उसने मेरे को ऐसे ही बोला सर, उसने बोला यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से निकला श्रीनगर। सर हाँ यहाँ मेरे को समझ नहीं आता ये एक जगह पर सारे एक साथ क्यों चलते हैं और आराम से मस्त। गाइस अगर ऐसे ही चलेंगे ना बहुत गंदा सीन होगा। देखो मजे से कैसे चल रहे, दो दो एक लाइन में चलते, पूरा ट्रैफिक खराब कर दिया है उन्होंने। टनल में 200 मारना आसान बात है बट ये पता है आप लोगों को कितना रिस्की होता है। अभी वहाँ पे मेरे को इतना प्रेशर आ रहा है हवा का, मेरे को ऐसे पीछे की तरफ फेंक रहा है बट स्टिल मैंने पूरा पकड़ के रखा है। ये हमारे साथ ही आगे मिले मेरे को, इनको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं बुशी जीत की कोशिश रही। आप तो कोशिश रहो, ये इनको नहीं जाने देंगे हम, ना लोकल कोई नहीं जाता इधर, आप तो जा सकते हो। तो हाँ सर मैं जा सकता हूँ बट इनको अब इनको नहीं जाने देंगे यार, कैसे मिले ये थोड़े मोटरसाइकिल एक आधा काफी ना सर। सर ये आगे से मेरे साथ ही चल रहे थे
गाइस पंगा हो गया। गाइस मैंने तो बेचारों की हेल्प की थी बट इनकी किस्मत में ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। गाइस राहिल मेरे को वीडियो कॉल से देख रहा है ना, अभी दरवाज़ा खुला है। मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ वापस आ गया, उनको पता है कि मैं कल निकलने वाला हूँ, बट अभी देखो राहिल वीडियो कॉल पे है, दरवाज़ा खोलेगा। ए सलाम अलैकुम। जैसे आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, मेरी लाइफ में ना अचानक से ऐसे सीन हो जाते हैं, मेरे को नहीं पता होता है मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ पे। अचानक से मैं जम्मू में था, अचानक से मेरे को इंटरनेशनल भागना पड़ा। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी हो चुका हूँ मैं रेडी, अब मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से निकलना है क्योंकि भाई इंटरनेशनल का सीन है भाई, बहुत पंगा होता है कश्मीर में, खासकर कश्मीर वाले एयरपोर्ट पे बहुत चेकिंग करते हैं। फिलहाल के लिए पासपोर्ट भी है मेरे पास, बाकी टिकट गट्स सब कुछ प्रिंट करवा लिया। गाइस एक चीज को मैं बहुत ही मिस करूंगा, वो अपनी बाइक हल्क भाई, उसके बगैर मेरे को मन नहीं आएगा। देखूंगा कितना टाइम ज्यादा से ज्यादा मैं वहां पर स्पेंड करूंगा। टेक केयर, मैं जा रहा हूँ। अभी हम निकल चुके हैं यार, सही में आज का जो ड्राइवर है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा ड्राइवर है कौन। गाइस हियर इज आवर ड्राइवर राहिल। ट्रैफिक जैम देखो, बट स्कूल की बसेस की वजह से हुआ है, और स्मार्ट सिटी रेड वाली बसेस जहाँ रुकती है बीच में, भाई गंदा पंगा है इनका। फाइनली गाइस बोर्डिंग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ की बोर्डिंग में कितना खतरनाक टाइम लगता है, बहुत भाई सिक्योरिटी चेकिंग, बहुत सारे सीन कंप्लीट हो गए। फाइनली अभी हम निकलने वाले हैं। बहुत मेहनत के बाद बोर्डिंग पास मिल चुका है, ये चेक कर सकते हो। फाइनली 2 घंटे वेट किया, टाइम आ गया। गाइस कितनी सिक्योरिटी चेकिंग है सही में। गाइस सीट नंबर 25B। बैड लक, मैंने सोचा था मेरे को यहाँ पे विंडो सीट मिल जाएगी, बट यहाँ पे कोई बंदा है। उस बंदे से हम बोलेंगे यहाँ पे बैठेंगे, कुछ सीन होगा, ठीक है देखेंगे क्या सीन रहेगा। गाइस यार सही में जिस बताऊँ मैं, यहाँ से भी कोई नहीं है और यहाँ से भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ 3 सीट्स में। सो फिलहाल के लिए गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, एंड यार सही में बताऊँगा ऐसे हो गया, ठीक है जल्दी जल्दी पहुंच गए, एंड मेरे को लग गई भूख यार बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। ये भाई अपना जो बारह हम कश्मीरी कश्मीरी को वाइब होती है, ठीक है बाकी मेरे को किसी से मज़ा नहीं आता है, कश्मीरी मिल गया भाई मज़ा अपना भाईचारा। फिलहाल के लिए गाइस मम्मा ने ये दिया था साथ में बिरयानी, ठीक है कुछ भी हो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, बट मम्मा का प्यार अलग लेवल का होता है, ठीक है। ये रहा आईफोन का चार्जर, एंड इसकी हालत चेक कर सकते हो, आधे घंटे से मैंने चार्ज पर रखा था, ये मैं देख रहा हूँ इसका है ही नहीं है। हर एक राइड पे कलेश, हर एक जगह पे कलेश, आदत सी हो गई है कलेशों की। यहाँ पे तो हमें एडाप्टर नहीं मिलने वाला है, बट वो देख सकते हो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे है शॉप। अब जो भी देखना है दुबई में देखना पड़ेगा, वापस तो नहीं जा सकते। ये चेक कर सकते हो पिज़्ज़ा 200 रुपीज़ का, ये रेट चेक करो, ठीक है पिज़्ज़ा का एक स्लाइस 200 रुपीज़ का है, ठीक है भाई। सही में यार बहुत महंगा है यहाँ पे, भूख लगी थी यार, बीजी पे गुजारा करना पड़ रहा है इधर। अगर बहुत महंगा है इसलिए ये लेना पड़ा। हमने 400 के 2 स्लाइस खाए, मतलब हाँ तीन पिज्जे खाए हमने 2 स्लाइस बस। कितना टाइम लग गया यार वेट करते करते, 3 घंटे हो गए यहाँ पर। फाइनली अब आ गया टाइम, चल रहे हैं। गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा है धुआं कहाँ जा रहा है, बहुत मेहनत के बाद यार 4 घंटे भाई एक जगह पे ऐसे बैठना, पूरी हालत खराब हो गई थी, फाइनली भी पहुंच गए। तो भाई गाइस सच्ची में आप लोगों को बताऊं ना, इस एयरपोर्ट का एक सीन है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से खत्म होता है कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से बैगेज रिक्लेम करना है, बैगेज रिक्लेम करने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है, सबके सब बंदे जा रहे हैं अपना बैग पकड़ने, देखो कितने में भाई 3 किलोमीटर दूर है, खुद सोचो ये कितना बड़ा है। सो फिलहाल के लिए गाइस अभी हम आ चुके हैं इमिग्रेशन सेंटर पे, लास्ट वाला इमिग्रेशन यहाँ पे होने वाला है, एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कितना बड़ा है यार सही में, चेक करो भाई कितना बड़ा है। एंड ये वाला बंदा मेरे को अभी तक साथ है, ठीक है हमने बहुत मजा किया भाई, ट्रैवल किया भाई, मेरे को अलग फील नहीं हुआ, ये बंदा मेरे साथ है।
मजा आ गया सही में भाई। जो बंदा 30 डेज के लिए यहाँ पे विजिट करता है ना, उसको यहाँ पे मिलता है सिम कार्ड, ठीक है। बट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऑलरेडी है। इसमें फ्री सिम है, 1 GB इसका फ्री मिलेगा, जो कि लगाते ही यूज़ करते ही ख़त्म हो जाता है। गाइस अब जो बंदा यहाँ पे आएगा उसको बैगेज कलेक्ट करना है, उसके लिए आपको टिकट पे देखना है कि आपका क्या है। इसके मेरे को दिखा रहा है 6, मतलब सामने जाना है। बैगेज मैंने कलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा सा कैश बचा है, इसको एक्सचेंज करवाते हैं यहाँ पर। गाइस ये चेक करो, ये हो गए 580 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ मेरे जेब में थे। गाइस यहाँ पे एक और सीन हो चुका है, क्रिएट पाकिस्तान वालों ने कुछ पंगा किया है, ठीक है। इसलिए आपका अकाउंट चेक करेंगे कि उसमें 2.5 लाख रुपीज़ होंगे तो आपका एंटर होने देंगे दुबई में, ठीक है। मेरे अकाउंट में तो बहुत था इसलिए बच गया। फाइनली गाइस बाहर की तरफ निकल चुके हैं, ये चेक कर सकते हो। ओ माई गॉड इतनी गर्मी यार, सेम है। ये चेक करो भाई, यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तानी दिख रहे हैं, हर जगह से पाकिस्तानी। मेरी गाड़ी कहाँ पे है? यहाँ के रूल्स बहुत सही है, देखो गाड़ियाँ रुकती है, फिर ऐसे ही चलने नहीं देंगे आपको, इंडिया की तरह धक्के मुक्के। बट जो भी यार सही में बहुत सही। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मेरी जान, कैसा है? ओ हो हो जानू। तो फिलहाल के लिए आपको किसी रीजन से तो आपको किसी भी रीजन से ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए से ब्लॉग में। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।